कई भोजपुरी स्टार पूरे उत्तर भारत में बेहद लोकप्रिय हैं। ऐसे ही एक भोजपुरी स्टार है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। कई भोजपुरी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके निरहुआ एक्टिंग के साथ साथ भोजपुरी फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं। अपने शानदार अभिनय के लिए मशहूर निरहुआ करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। चुनाव 2019 के दौर में दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ 5,93,00,000 की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक निरहुआ के पास 1,28,00,000 रुपए की चल संपत्ति और 4,07,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा उस वक्त निरहुआ पर 54,00,000 रुपए की देनदारी भी थी। निरहुआ के पास 4.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें मुंबई के अंधेरी का एक आलिशान फ्लैट भी शामिल है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक निरहुआ के पास 3 करोड़ रुपए की रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है। भोजपुरी स्टार निरहुआ खूब लाइमलाइट में रहते हैं, पर उनकी पत्नी लाइमलाइट से बेहद दूर रहती है। निरहुआ की पत्नी मनसा देवी हाउसवाइफ है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक निरहुआ की पत्नी के पास 6.5 लाख रुपए की ज्वेलरी है। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने LIC पॉलिसी में भी निवेश किया है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास लगभग 6 लाख रुपए की LIC पॉलिसी है। इसके अलावा निरहुआ के पास लगभग 1 करोड़ रुपए की कृषि भूमि है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ महंगी और शानदार गाड़ियों के बेहद शौकीन है। 2019 में दिए चुनावी हलफनामे के मुताबिक निरहुआ के पास रेंज रोवर और फॉर्चुनर जैसी कार है। चुनावी हलफनामे में निरहुआ ने रेंज रोवर की कीमत 42,00,000 रुपए बताई थी। इसके अलावा उनके पास पल्सर बाइक भी है। चुनाव में निरहुआ उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि निरहुआ को अखिलेश यादव के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कई भोजपुरी स्टार भी निरहुआ के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। फिलहाल के आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हम फिर से एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप न्यूज़ PR के साथ बने रहें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी भी बजा दें, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।